उदाहरण दो, सिद्ध कीजिए कि 2k-7 एक विषम पूर्णांक है जहां k एक पूर्णांक है। हल, यदि n विषम पूर्णांक है तो n बराबर 2k-1 लिख सकते हैं जहां k कोई पूर्णांक है। हमें सिद्ध करना है कि n बराबर 2k-7 विषम पूर्णांक है k के उन सभी मानों के लिए जो अवयव हैं i के। तो n बराबर 2k-7 बराबर 2k-6-1, इसे लिख सकते हैं 2k-3(1). माना k-3 बराबर m, m के उन सभी मानों के लिए जो i के अवयव हैं। तो कथन 1 और 2 से हमें मिलता है n बराबर 2m-1। n बराबर 2m-1 एक विषम पूर्णांक है m के उन सभी मानों के लिए जो i के अवयव हैं, विषम संख्या की परिभाषा के अनुसार। स्पष्टतः 2k-7 एक विषम पूर्णांक है। प्रतिधनात्मक, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कुछ कथनों को दिए गए रूप में सिद्ध करना मुश्किल होता है, जैसे यह कथन देखें। A1 इस प्रकार है, यदि 2 त्रिभुज समरूप नहीं हैं तो वे त्रिभुज सर्वांग सम भी नहीं हैं। इस कथन को ऐसे भी लिखा जा सकता है। A2 इस प्रकार है, यदि 2 त्रिभुज समरूप हैं तो वे सर्वांग सम भी हैं। A3 इस प्रकार है, यदि 2 त्रिभुज सर्वांग सम नहीं हैं तो वे समरूप भी नहीं हैं। A4 इस प्रकार है, यदि 2 त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो वे त्रिभुज समरूप भी हैं। अब बताएं कि ऊपर लिखे चारों कथनों में से कौन से कथन तुल्य हैं। जाहिर है कथन A1 और A4 तुल्य कथन है, क्योंकि यह दोनों तार्किक रूप से एक ही बात कहते हैं और वही उसका प्रतिधनात्मक रूप है। हालांकि कथन A1 और A4 तार्किक रूप से एक ही बात को कहते हैं, पर कथन A1 की अपेक्षा A4 में तर्क ढूंढना और इसे उपयोग करना ज़्यादा आसान है। कथन A4 कथन A1 का प्रतिधनात्मक रूप है, इसलिए कुछ कथनों को सिद्ध करने के लिए उन्हें प्रतिधनात्मक रूप में लिखकर सिद्ध करते हैं। उदाहरण 3, निम्न कथन को प्रतिधनात्मक रूप में लिखें। यदि एक संख्या 25 से भाज्य है तो वह 5 से भी भाज्य होगी। हल, यदि एक संख्या 5 से भाज्य नहीं है तो वह 25 से भी भाज्य नहीं है। उदाहरण 4, यदि x वर्ग ऋण 6x धन 5 सम है तो x विषम है x के उन सभी मानों के लिए जो i के अवयव हैं। हल, इस कथन को प्रतिधनात्मक रूप में लिखकर देखते हैं। यदि x विषम नहीं है तो x वर्ग ऋण 6x धन 5 सम नहीं है x के उन सभी मानों के लिए जो i के अवयव हैं। अब x विषम नहीं है इंगित करता है x सम है, यानी x बराबर 2k जहां k अवयव है i का, सम पूर्णांक की परिभाषा से। हम आगे लिख सकते हैं, x वर्ग ऋण 6x धन 5 इंगित करता है 2k पूरे का वर्ग ऋण 6 गुणित 2k धन 5 इंगित करता है 4k वर्ग ऋण 12k धन 4 धन 1 इंगित करता है 2 कोष्टक के अंदर 2k वर्ग ऋण 6k धन 2 कोष्टक बंद धन 1 इंगित करता है 2b धन 1, जहां b बराबर 2k वर्ग ऋण 6k धन 2 और b एक पूर्णांक है, b अवयव है i का। विषम पूर्णांक की परिभाषा से हम यह जानते हैं कि 2b धन 1 एक विषम पूर्णांक है, अर्थात यदि x विषम नहीं है तो x वर्ग ऋण 6x धन 5 सम नहीं है। हमने सीखा, 1, कथनों को सिद्ध करने के लिए, पहला, पहले से सिद्ध प्रमेय, परिभाषा या अभिगृहित का उपयोग किया जाता है। दूसरा, उपपत्ति का प्रत्येक कथन ठीक पहले वाले कथन से तार्किक रूप से जुड़ा होता है। तीसरा, कथनों को लिखते समय
विशेष प्रकार के प्रतीकों या चिन्हों का प्रयोग किया जाता है ताकि बड़े वाक्यों को संक्षिप्त में लिखा जा सके। 2. गणितीय भाषा का प्रयोग करके कथनों को सटीक, संक्षेप व स्पष्ट भाषा में लिखा जा सकता है, जैसे सभी के लिए, अवयव है, सर्वांगसम आदि। 3. गणितीय कथनों को सिद्ध करने के ढंग, निगमन तर्क द्वारा, प्रत्युदाहरण द्वारा।